हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्या रह सकते शॉर्ट। क्या रह सकते शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1F। तो 1F में हम लोग कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 19 तक, और आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 20 से। तो क्वेश्चन नंबर 20 से जब हम करेंगे इसको, सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि जो यूज़र्स यहाँ पर पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, वो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि उन्हें जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन उन्हें तुरंत मिल जाएगा, और उसके बगल में जो बेल आइकन होगा वो ज़रूर से प्रेस कर देंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। यह हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ दिया हुआ है इफ़ ए इज इक्वल टू रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन रूट थ्री प्लस रूट टू एंड बी इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस रूट टू अपॉन रूट थ्री माइनस रूट टू। यहाँ आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फाइव ए बी। तो जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वैल्यूज़ को रैशनलाइज करते हैं। तो पहले ए की वैल्यू फाइंड करेंगे रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन रूट थ्री प्लस रूट टू। क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर वाला नंबर होता है उसमें साइन चेंज करके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही काम हमने यहाँ करा है, साइन चेंज किया, मल्टीप्लाई किया। ये वाली वैल्यू जो हो गई ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गई, और ये a प्लस बी और a माइनस बी बना रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, और ये मैंने कैसे लिखा था, ये मैंने लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह। ये क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये आपको याद होना चाहिए, मैं बार बार आपको ये चीज़ बता रही हूँ। एक्सपेंड करते हैं रूट थ्री माइनस रूट टू का होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए इंटू बी, ये हो गया थ्री माइनस टू। तो यहाँ से आ जाएगा आपका थ्री प्लस टू माइनस टू अंडर रूट सिक्स अपॉन वन, और ये हो गया थ्री प्लस टू माइनस, इसे ऐड कर लेंगे हम यहाँ, तो ये हो गया फाइव माइनस टू अंडर रूट सिक्स, और ये हो गया है आपका ए। यहाँ से नेक्स्ट है बी, तो हम बी को भी क्या करते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ये हुआ रूट थ्री प्लस रूट टू अपॉन रूट थ्री माइनस रूट टू, साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो जो ऊपर वाली वैल्यू हमारी आ रही है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ रही है, और नीचे जो वैल्यू आ रही है वो आपकी हर जगह देखिए सेम ही बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है, तो यहाँ से ए प्लस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ये हो गया है आपका तीन आइडेंटिटी जो आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ से ऐसे एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा रूट थ्री का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री इंटू रूट टू, और यहाँ से आएगा थ्री माइनस टू। तो यहाँ से हो गया थ्री प्लस टू अंडर रूट सिक्स बाय वन, और यहाँ से ये बन गया फाइव प्लस टू अंडर रूट सिक्स, ये है आपका बी। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फाइव ए बी। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फाइंड करने के लिए एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से अगर या तो हम ए को स्क्वायर कर दें बी को स्क्वायर कर दें तब यहाँ पे वैल्यू निकल सकती है, या तो एक काम हम और कर सकते हैं, हमें ए प्लस बी अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, मैं करने का तरीका बता रही हूँ। पहला मेथड हमारा ये है कि हम ए और बी दोनों को स्क्वायर कर दें अलग अलग, ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर दें इसका भी स्क्वायर कर दें और फिर वैल्यूज़ को पुट कर दें वहाँ पे, ठीक है। एक मेथड और हो सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर हम ये फॉर्मूला देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। मतलब कि अगर हमें यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना होगा तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो वहाँ से हो सकता है थोड़ा सा आपका जो है एक दो स्टेप थोड़ा कम हो जाए, तो कर लेते हैं। पहले मैं इसे रफ कर लेती हूँ, मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, ए प्लस बी का होल, ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे हम लिखते कैसे हैं। अगर मान लीजिए हमने यहाँ लिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। अगर यहाँ से हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करेंगे,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो इस वाली वैल्यू को इधर ले जाएंगे, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, यही तो होगा ना। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सिंस क्योंकि आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब दैट मीन्स कि जो ये आपको निकालना है इसकी जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी, a प्लस बी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं a प्लस बी, यही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 माइनस टू अंडर रूट सिक्स प्लस 5 प्लस टू अंडर रूट सिक्स, ये प्लस वाली वैल्यू ये माइनस वाली वैल्यू कट जाएगी, तो ये आएगा आपका 10 और ये है आपका a प्लस बी, ठीक है। अब हम रख लेते हैं वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फाइव ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस फाइव ए बी। अब यहाँ से देखिए ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की जगह टेन है, टेन का स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस फाइव ए बी, तो ये हो गया माइनस सेवन ए बी, दोनों ऐड हो जाएगा माइनस के साथ है, ये हो गया हंड्रेड माइनस सेवन। ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो ए और बी जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए अगर आप ये वाली वैल्यू लेंगे तो भी ये सॉल्व हो जाएगा, अगर आप ये वाली वैल्यू लेंगे तो भी आप सॉल्व हो जाएगा। ये वाली वैल्यू लेने में क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, सिर्फ वन मिलेगा। लेकिन अगर ये वाली वैल्यू लेते हैं तो यहाँ से देखिए क्या होगा, आएगा वन ही, बस तरीके अलग होंगे। बी क्या है, फाइव प्लस टू अंडर रूट सिक्स, किस फॉर्म में है ये, हंड्रेड माइनस सेवन। ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे हम लिखेंगे इस तरह से, फाइव का स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट सिक्स का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे, 100 माइनस 7 25 माइनस ये कितना हो गया 4 और ये 6 24, देखिए यहाँ से भी इसका सोल्यूशन 1 ही आ रहा है। अगर हम ये दोनों वैल्यू पुट करते तो ये देखिए ये दोनों कट जाता, ये दोनों कट जाता, यहाँ से भी इसकी वैल्यू 1 ही आती। तो दोनों कंडीशन से वैल्यू 1 ही आ रही है, बस करने का अपना अपना मेथड होता है, आपको जो इजी लगे आप उस वे में इसको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हो गया है 100 माइनस 7 और जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका 93। दैट मीन्स जो आंसर हमारा आ रहा है वो 93 आ रहा है और वो किसका आंसर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फाइव ए बी। तो पहले हमने क्या किया था, ए को रैशनलाइज करा है, बी को रैशनलाइज करा है, ए प्लस बी निकाल लिया, फिर अपने फॉर्मूले से हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो यहाँ से हमने निकाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर हमने उसकी वैल्यू यहाँ पुट करके इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर दिया। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कुछ इस तरह से है कि इफ p इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5 एंड q इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहले हम क्या कर लेते हैं, p को लिखते हैं यहाँ से और p को रैशनलाइज करते हैं। 3 माइनस रूट 5 यहाँ लिखा हुआ था और ये 3 प्लस रूट 5 लिखा था। डिनोमिनेटर की वैल्यू को क्या करते हैं, देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। ये है आपका 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर और ये बना आपका 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। सेम प्रोसेस है हर जगह, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब तक फॉर्मूला बिल्कुल आपको याद हो गया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो यहाँ से लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू 3 इंटू रूट 5, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर 5, तो ये हुआ 9 प्लस 5 माइनस 6 अंडर रूट 5 बाई 4, तो यहाँ से हो गया है 14 माइनस 6 अंडर रूट 5 बाई 4। आप चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से 2 2 जा 4 कट कर सकते हैं, बट रहन देते हैं बिकॉज नेक्स्ट वाले भी स्टेप में भी हमारा यही वैल्यू आएगा, बस साइन का डिफरेंस होगा। 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5, साइन चेंज करते हैं यहाँ पर भी,
तो ये हुआ आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री इंटू रूट फाइव, ये हुआ नाइन माइनस फाइव। तो ये हुआ नाइन प्लस फाइव प्लस सिक्स अंडर रूट फाइव अपॉन फोर। तो ये आपका बन रहा है फोर्टीन प्लस सिक्स अंडर रूट फाइव बाई फोर। देखिए मैंने कहा था वैल्यू सेम आएंगी, बस खाली साइन का अंतर होगा। तो ये निकल चुका है आपका P एंड Q। तो ये वाली वैल्यू आपकी P है और ये वाली वैल्यू आपकी Q है। अब इसके बाद से हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और मैंने आपको बताया है सिंस वी नो दैट हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। तो चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करते थे, यहाँ पे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू। तो यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकल जाएगा, यही तो फाइंड करना था। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस वैल्यू को इधर ले जाना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको यहीं छोड़ दे रहे हैं और इसको उधर ले जा रहे हैं, बस खाली साइड चेंज कर लिया हमने, बिकॉज ऐसे उल्टा दिखेगा आपको। p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस टू पी क्यू, अरेंज हो गया सारा। अब हमें p प्लस क्यू भी चाहिए, मालूम चल गया चाहिए। या तो आप इसको इसके बाद निकाल लीजिए या फिर यहीं भी निकाल लीजिए, जहाँ पे आपको जगह लगे। तो p प्लस क्यू जब निकालेंगे हम यहाँ, तो ये p प्लस क्यू क्या हो जाएगा, 14 माइनस सिक्स अंडर रूट फाइव बाई फोर प्लस 14 प्लस 6 अंडर रूट 5 बाई 4। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास जगह नहीं है, आपने ये शुरू कर दिया तो ये कहाँ लिखे, ये वाला पोर्शन p प्लस क्यू जो है आप यहाँ भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप p प्लस क्यू निकालेंगे और फिर उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा एलसीएम यहाँ से 4, और ये होगा 14 माइनस 6 अंडर रूट 5 प्लस 14 प्लस 6 अंडर रूट 5। ये प्लस के साथ ये माइनस के साथ कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपका 28 बाई 4, और ये हुआ 4 7 28, तो ये आया 7। दैट मीन्स कि p प्लस क्यू की वैल्यू 7 आ रही है। तो यहाँ से हम पुट करते हैं ये वैल्यू 7 का स्क्वायर माइनस 2। अब p और q, या तो p q की जगह हम ये पुट करें और या तो ये पुट करें, दोनों देखिए यहाँ से अगर पुट करेंगे p इंटू क्यू, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये वाली वैल्यू पुट की थी, कोई भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको समझ में आए यही वाली कर लेते हैं। तो ये होगा 14 माइनस 6 अंडर रूट 5 बाई 4 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 6 अंडर रूट 5 बाई 4। तो ये जो 4 वाली वैल्यू है, ये तो एक कट गई, तो ये 2 जो 4 हो गया, लेकिन ये वाली वैल्यू बच गई। तो यहाँ से ये होगा 49 माइनस 14 का स्क्वायर, ये हुआ आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई, ये हुआ आपका 2 4 8। इसको इस तरह से करने में थोड़ा सा ये लंबा हो गया, बिकॉज यहाँ पे आपको जो है ये डिनोमिनेटर में वैल्यू मिल गई थी। अगर आपने ये वाली वैल्यू पुट की होती तो एक ही लाइन में ये कट जाता आपका, क्योंकि ये वाली वैल्यू पुट करना आसान है, ये आप अपने से भी पुट कर सकते हैं, ये वाली करके मैं दिखा दे रही हूँ। तो ये हुआ आपका यहाँ से 49 माइनस 14 का स्क्वायर आपका हो गया 196 माइनस, ये हुआ आपका 36 और 5, तो 36 और 5 करेंगे तो ये होगा आपका 180 बाई 8। 49 माइनस कितना हो गया ये 196, ये 16 हुआ और ये बाई 8, 8 2 16 हुआ, तो ये बचा आपका 49 माइनस 2 इज इक्वल टू 47। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा। पहले हमने रैशनलाइज करा है, p प्लस q निकाला है यहाँ पे, ये इतना ठीक है, ये p प्लस q निकाला हमने। उसके बाद से जो है नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे वैल्यू ऐसे निकाल करके इसको पुट कर दिया है। मैंने आपको बताया है दो तरीके से, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये पुट करो ये ना पुट करो तो कुछ अलग हो जाएगा, कुछ भी अलग नहीं होने वाला है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स ये हो गए हैं 20 नंबर क्वेश्चन और 21 नंबर क्वेश्चन। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।